अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, टुडे आई एम विद माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, आपने मेरे टाइमलाइन देख ली होगी कि मैं किस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 25 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाए। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आज सबको ये कहूँगा स्टार्टिंग में, मेरे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ज़्यादातर फैमिली के साथ टाइम चलने दें, स्टॉप कर दें, कोई मसला नहीं है। ये लोग यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग इधर आएँ और दोबारा से बनाएं वीडियो। सर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो जो लोग देख रहे हैं, दोबारा करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, टुडे आई एम विद माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, आपने मेरे टाइमलाइन देख ली होगी कि मैं किस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 25 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाए। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आज सबको ये कहूँगा स्टार्टिंग में, मेरे जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। जी हाँ, तो जब मैं आपको यही बताऊँगा कि बिहाइंड द स्क्रीन और बिहाइंड द कैमरा कितनी मेहनत होती है व्लॉगिंग में भी, कि 5 मिनट से 10 मिनट की वीडियो बनाने में हमें ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 5 मिनट की वीडियो और हमने कैमरा लगाया और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। जब मैं ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा था तो छोटी सी बस आपका तो आज की इस वीडियो में मैंने तमाम अपनी जो वीडियोज़ के कुछ क्लिप्स हैं, जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, जो मैंने और वो वीडियोस मैंने ऐड करके इसमें एडिटिंग करके, जी तो आज की जो वीडियोस में मैंने तमाम अपनी पुरानी वीडियोस को, जो क्लिप्स बिहाइंड द स्क्रीन्स होते हैं जो आप नहीं देख पा रहे होते, तो वो मैंने इस वीडियो में अपलोड किए हैं। साथ में ये था कि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्त और करीबी तो यही कहते थे, यार अपना बिजनेस कर रहे हो और साथ में सोशल एक्टिविटीज़, माशाल्लाह से जिनको मालूम नहीं है तो मैं बहुत एक्टिव हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ हैं मेरी काफ़ी, तो वो कर रहे हो, साथ में तुमने व्लॉगिंग भी कर ली है, तो इधर उधर घूम के ये व्लॉगिंग और कैमरा लेके घूम रहे होते हो, इट्स नॉट गुड। तो मैं हमेशा सबको यही कहूँगा दोस्तों, तो व्लॉगिंग भी एक एक ऐसी चीज़ है जो आप इससे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, दुनिया को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में इट्स व्लॉगिंग, इट्स वेरी गुड थिंग फॉर दोस्तों। तो मैं अपने हमेशा अपने व्लॉग में यही कहता हूँ कि लोगों को कि बी मोटिवेट रहें, बी पॉजिटिव रहें हमेशा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पहले ही वीडियो में ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, 10000 सब्सक्राइबर हो जाएं और 1,00,000 व्यूज़ हो जाएं वेरी फर्स्ट डे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप वीडियोज़ बना रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, तो एक वीडियो व्लॉगिंग चैनल बनाने में, यूट्यूब चैनल पर टाइम लगता है आपको। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें मिनिमम 6 मंथ से 1 ईयर लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करी और आप के व्यूज़ जो है 2,00,000 व्यू हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी भी एक जर्नी रही व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल के साथ और माशाल्लाह से स्टिल मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ और अपलोड करता रहूँगा। और अगेन थैंक यू वेरी मच जो लोग मेरी तमाम वीडियोज़ को देखते हैं और मुझे कमेंट्स देते हैं, मुझे पर्सनल कमेंट्स मुझे और मुझे ईमेल्स करते हैं, मैं उन तमाम लोगों का थैंक्स करता हूँ। और इसी तरीके की मैं वीडियोस और अच्छी वीडियोस इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ वीडियोस में, वो करता रहूँगा। तो आप मेरी जो वीडियोस के पहले के क्लिप्स हैं वो देखें, इन्जॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दें ज़्यादा से ज़्यादा। ग्लोबल विलेज आए हो तो ये भुट्टा भी चेक करें। परफ्यूम शॉप चलते हैं हम लोग इधर।
ट्रक मतलब बस अभी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो आज हार के पहली दफ़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी बॉलिंग में भी हारें। फिफ्टी ग्लास इनके पास है, 50 मेरे पास है। ये चैलेंज हम इन्होंने एक्सेप्ट किया है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। मोबाइल में आपको लगा लें स्टॉप। गाइस ये वीडियो है कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इनका मोबाइल अंदर है, इन साइड पर कोई पाकिस्तान बात करते हैं। ये पाकिस्तान से आए हुए आजकल ना इधर, तो एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं मौलाना के पास। स्टार्ट ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं। साथ में बात भी करते थे तो मेरा जो वीडियो देख रहे हैं मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें। और ये हो गया है और ये रेडी हो चुके हैं, सारे तैयार हो गए हैं और ऑलमोस्ट ऑलरेडी सारे रेडी हो गए हैं। कि मैंने इसको फ्राई कर लिया है, आप दिखाएं जी। अभी देखें आप ब्रेड चिकन, ब्रेड एंड चिकन रोल हैं तो ये ब्रेड चिकन एंड चीज रोल। सर्ज भाई ये ऑफिस में बैठ रेफर करूंगा कि जब भी आपको बाबा तशरत मॉल आना हो तो मसाशी में आए और इसको ट्राई करें, जरूर ट्राई करें। इट्स अ वेरी डिलीशियस फूड। कर लिए मैंने वॉक करके, सोचा कि कैमरे को सामने रखा जाए और आप लोगों से बात की जाए, तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। गाइस अब तो मैं वॉक कर करके काफ़ी थक चुका हूँ और ऐसे होनी चाहिए। है गाइस तो वॉक करके बस मैं मॉर्निंग आया हूँ, बस अभी ब्रेकफास्ट करना। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट इस आज का जो मेरा व्लॉग है वो फिटनेस पर यही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम विथ माय न्यू व्लॉग। तो ये मास्क देख के आप समझ गए होंगे ये व्लॉग आज मैं किस पे बना रहा हूँ। तो यस, कोरोना वायरस पे। तो ये भी लगाना, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगाने का मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कोरोना वायरस या किसी भी बीमारी से और कोई भी वायरस। इफ्तारी लग चुकी है, यहाँ पर फ्राइज़ भी हैं, फ्रूट चाट है। इसमें सारे फ्रूट्स, मैंने 6-7 किस्म के फ्रूट्स हैं, जूस, जाम शीरी, इसके अलावा ये मिल्क, मैंगो जूस, और अभी खाना भी तैयार हो रहा है।